पर जब एक्चुअल में हम लोग कप लगाते हैं तो ये एक्चुअल में नीचे होता क्या है? मतलब एक आम आदमी को अगर ये आप बताएं कि एक्चुअल में नीचे क्या होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका सक्शन का जो प्रेशर है, यानी आप जितना प्रेशर डेवलप करते हैं सेंट्रलाइज में, वो किस लेवल तक करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी फिजियोलॉजी जनरेट होती है। लेट्स सपोज टू बी, अगर मैं फाशिया लेवल पे सक्शन दे रहा हूँ तो मेरे जो चेंजेस होंगे वो फाशिया में आएंगे। अगर मैं मस्कुलर लेवल पे दे रहा हूँ तो वो फिर मेरे मस्कुलर लेवल पे आएंगे। इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर लेट्स सपोज टू बी मेरा स्किन और फाशिया के बीच में एडहेशन है और मुझे उसको ब्रेक करना है, तो मेरा जो प्रेशर होगा वो मिनिमल प्रेशर होगा, जिसकी वजह से मैं सेपरेट कर पाऊँ दो टिश्यू को, जो कि एक स्किन है जिसको मैं क्यूटेनियस बोलूंगा, एक मेरा फाशिया है। तो इसके एडहेशन को फाशियो क्यूटेनियस रिलेशन बोलते हैं। जब ये ज्यादा स्टक हो जाता है तो इसको डीकम्प्रेस करने के लिए हमारे को जो प्रेशर है वो कम देना पड़ता है। तो हमारे चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल लेवल पे ये बताते हैं कि हमने सेपरेट करा है टिश्यू को। दिस इज टेक्निक इज कॉल्ड द डीकम्प्रेशन। पर अगर हम डीपर स्ट्रक्चर पे चले जाए तो वहां पर हमारा मस्कुलर लेवल होता है। अगर मसल्स लेवल में कहीं एडहेशन हो जाए उसको हम डीकम्प्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारा जो है डिपेंड करेगा कि हमने प्रेशर जो है वो कितना दिया है। एक तो ये हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि जब हम प्रेशर देते हैं तो जितने भी इंटरवेलिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें माइक्रो कैपिलरीज भी होती है। वो माइक्रो कैपिलरीज को जब प्रेशर मिलता है तो एक प्रेशर के बाद उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वहां तक वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। अगर उसके बियॉन्ड जाएंगे तो वो माइक्रो कैपिलरी पे प्रेशर लगते ही वो बस्ट हो जाती है। तो जब माइक्रो कैपिलरी बस्ट होती है उसकी वजह से उनमें से जो ब्लड होता है वो सीप आउट होता है, जिसकी वजह से हमें एक कलरेशन आता है, जिसको हम इस तरीके से जज करते हैं कि हमारा जो जितनी भी कैपिलरीज ब्रेक हुई है वो किस लेवल पे हुई है, डीपर लेवल पे हुई है या फिर सुपरफिशियल लेवल पे। उनके बेसिस पे क्या होता है कि ब्रेन पे एक सिग्नल जाता है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल पार्ट है, कि देयर इज समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग। वो हमने इंटेंशनली करा, पर ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि यहाँ पर कुछ ब्रेक डाउन हुआ है। उस ब्रेक डाउन को हील करने के लिए फिर ब्रेन वहां पर ब्लड सप्लाई को इनहेंस करता है ताकि जो ब्रेक डाउन हुआ है वो हील हो सके। तो ये तो एक प्रोस्पेक्टिव है, इसके नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव है। इट डिपेंड्स आप क्या कर रहे हैं, कपिंग ड्राई कर रहे हैं, हिजामा कर रहे हैं, फायर कपिंग कर रहे हैं, बैम्बू कपिंग कर रहे हैं। तो सब जगह पे प्रोस्पेक्टिव जो है वो कॉमन तो रहते हैं, बट चेंजेस आते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो टूल यूज कर रहे हो वो प्लास्टिक कप है या फायर कप है या बैम्बू कप है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर मैं बैम्बू कप से कपिंग करता हूँ तो मेरी इंटेंशन ये होती है कि बैम्बू कप को मैं पहले एक सॉल्यूशन में डालूंगा, वो सॉल्यूशन जो होगा वो मेरा हर्बल सॉल्यूशन होगा, और मेरी इंटेंशन होगी वो हर्बल सॉल्यूशन को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कराना। तो यहाँ पर अच्छा, मेरा इंटेंशन ही चेंज हो गया। तो इट डिपेंड्स। ऐसी फायर कपिंग होती है ग्लास वाली, उसमें भी एक चीज है जो मैं चाहूंगा वो क्लियर हो जाए। लोगों का मानना है कि फायर कपिंग से क्या हीट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है, तो मेरा आंसर है एब्सोल्युटली नो। रीजन उसका बिल्कुल सिंपल है कि फायर कपिंग करने के लिए जो हम ग्लास कप का यूज करते हैं, ग्लास जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। ये आज की बात सब बेसिक लेवल पे भी पता होता है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते। इनको कहते हैं पुअर कंडक्टर, ये हीट के पुअर कंडक्टर है। और अगर पुअर कंडक्टर तो हीट ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल सी बात है, जी बट हम फायर को दिखाते हैं जिसकी वजह से ऐसा एस्थेटिकली लगता है कि हीटिंग इफेक्ट भी आ रहा है। बट अगर हम बात करें बैम्बू कपिंग में, तो बैम्बू कपिंग को अगर हॉट वाटर के अंदर डाल के उसके एब्जॉर्प्शन करा दें हब्स को फिर करें, तो हाँ उसमें जो लिक्विड है उसकी जो हॉटनेस है वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है, वहां पर हीटिंग थेरेपेटिकली होता है। बट अगर हम नॉर्मल फायर को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डाल के निकाल के फिर डालें और ये सोचे कि हीट अंदर पेनिट्रेट हो रही है, तो ये चीज सबसे ज्यादा टेररिज्म कैटेगरी में आएगी, क्योंकि आप बेवकूफ बना रहे पेशेंट को।